Hello everyone, we will design one more PDA today, and let's say the language given to us is a power n, b power n, union a power n, b power 2n, where n is greater than or equal to 1. तो बीच में यूनियन आने का मतलब क्या है कि ये एक मान लेते हैं कि ये एक लैंग्वेज L1 है और ये एक लैंग्वेज L2 है और हमें पता है कि ये L1 लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री है और L2 लैंग्वेज भी कंटेक्स्ट फ्री है और हमसे ये कहा गया है कि L1 यूनियन L2 के लिए एक PDA बना दीजिए. तो आपको पता है कि जो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती हैं दे आर क्लोज्ड अंडर द यूनियन, हेंस द लैंग्वेज L विल आल्सो बी कंटेक्स्ट फ्री. नाउ इसको डिजाइन करने के लिए आप अगर ध्यान से आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा है तो ये L1 लैंग्वेज जो कि a पावर n b पावर n के लिए है, इसका मतलब क्या है कि a की संख्या b की संख्या के साथ मैच कराई जा रही है और पहले a's आएंगे देन b's आएंगे. तो इसके लिए हम जानते हैं कि किस तरह से हमें PDA डिजाइन करना है. जब भी a आएगा तो हम पुश कर देंगे, जैसे b आएगा और स्टैक के टॉप पे अगर a होगा तो हम पॉप कर देंगे. a पावर n b पावर 2n का ये जो केस है इसमें b की जो संख्या है वो a की संख्या की 2 गुनी होगी. तो इस केस में हम क्या करते थे कि जो जब भी एक a आता था तो हम 2 a स्टैक पर पुश कर देते थे और जब b आता था और स्टैक के टॉप पे a होता था तो हम पॉप कर देते थे. तो अगर हम देखें ध्यान से कि एक केस ऐसा हमें दिख रहा है कि अगर a आया तो हमें पुश करना है, सिंगल a पुश कर देना है, और एक केस ऐसा दिख रहा है कि a आया तो 2 a पुश कर देना है. तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि भाई कि हम किधर जाएं, a के पुश करने की तरफ जाएं या 2 a पुश करने की तरफ जाएं. तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें कि एक ए या दो ए, मैंने हमें डिसीजन लेना है कि एक ए हमें पुश करना है या 2 a पुश करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि हमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए डिजाइन करना होगा. 2 डिफरेंट डायरेक्शन होंगे जिसमें हम जा सकते हैं. तो ऐसे पीडीए को डिजाइन करने के लिए हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए का यूज करेंगे. सो आइए सबसे पहले हम ए पावर एन बी पावर एन के लिए पीडीए डिजाइन कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम डिजाइन करेंगे पीडीए ए पावर एन बी पावर 2n के लिए. एंड फाइनली हम डिजाइन करेंगे ए पावर एन बी पावर एन बी बी पावर एन यूनियन ए पावर एन बी पावर 2n. सो आइए सबसे पहले हम ए पावर एन बी पावर एन के लिए पीडीए डिजाइन करते हैं. सो दिस विल बी लाइक लेट्स से q1 इज द स्टार्ट स्टेट एंड अगर मुझे स्मॉल ए मिलेगा और स्टैक एम्प्टी होगा तो मैं इसको स्टैक पे पुश कर दूंगा. सिमिलरली मुझे स्मॉल ए मिलेगा और स्टैक के टॉप पे ए होगा तो भी हम इसको स्टैक पे पुश कर देंगे. ये आपको पता है कि अगर हमने ए ए और बी बी के लिए लिया है तो स्टैक एम्प्टी है तो पुश कर दीजिए ए को इसके कोरिस्पॉन्डिंग. एक ए और आया तो स्टैक के टॉप पे ए दिखेगा, इसको भी पुश कर दीजिएगा. जैसे बी आएंगे हमारे पास और स्टैक के टॉप पे हमें ए दिखेगा, इसको हम पॉप कर देंगे. जैसे बीज आए हमारे पास और स्टैक के टॉप पे ए दिखा, हम इसको पॉप कर देंगे. फिर इसके बाद हो सकता है कि और भी बीज आए तो हर बी के कोरिस्पॉन्डिंग अगर स्टैक के टॉप पे ए है तो हम इसको पॉप कर देंगे. हर एक स्ट्रिंग के बाद एक तो एप्सिलॉन आएगा. एप्सिलॉन आया तो हमने देखा कि स्टैक के टॉप पे जेड जीरो होना चाहिए. इस केस में ऑब्वियसली 2 बीज आए तो 2 एज पॉप हो गए और जेड नॉट मुझे दिखा स्टैक के टॉप पे, ये मुझे फाइनल स्टेट की तरफ लेके जाएगा. वी विल नॉट मेक एनी चेंज इन द स्टैक टॉप. सो दिस इज द फाइनल स्टेट. लेट्स से दिस इज द फाइनल स्टेट 1. इसके बाद अब a पावर n b पावर 2n के लिए डिजाइन कर रहे हैं. मान लीजिए कि दिस इज द q3 स्टेट और अगर मुझे स्मॉल a मिला और स्टैक का टॉप एम्प्टी है तो मैंने 2 a इसको पुश कर दिया स्टैक पे. सिमिलरली अगर मुझे स्मॉल a मिला और स्टैक के टॉप पे a है तो मैं 2 a पुश कर दूंगा. सो फॉर एवरी A, we are pushing 2 A's on the stack. इसके बाद जब मुझे B मिलेगा और stack के top पे A होगा तो मैं इसको pop कर दूंगा. मैं let's say Q4 state में move करता हूँ और इसके बाद मान लीजिए कि मुझे B मिला और A ही मिलते रहे तो मैं stack से pop करता रहूँगा. इसके बाद epsilon आना चाहिए और अब तक stack empty हो जाना चाहिए, मतलब कि stack के top पे Z0 होना चाहिए. तो उसको हम Z0 ही छोड़ेंगे और final state में move कर जाएंगे. So let's say this is the Q final state 2. तो चूंकि हमें a power n, b power n, union a power n, b power 2n का PDA design करना है, तो हमें same PDA में ये दिखाना पड़ेगा. तो मान लेते हैं कि ये हमारा
एक नया इनिशियल स्टेट है क्यू जीरो, और एक डायरेक्शन में हम ए पावर एन बी पावर एन के लिए जाएंगे और दूसरे डायरेक्शन में ए पावर एन बी पावर टू एन के लिए जाएंगे। तो इसलिए हम मानते हैं कि पहले हम ए पावर एन बी पावर एन के लिए जा रहे हैं। तो लेट्स से वी आर मूविंग टू द क्यू वन स्टेट। तो अगर स्मॉल ए आया, जेड जीरो मेरे स्टॉक स्टैक के टॉप पे है, तो मैं एक ए को पुश करके इस वाले डायरेक्शन में आगे चला जाऊंगा। अगर मैं इस वाले डायरेक्शन में आगे जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो डुप्लीकेट है, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। क्यू वन स्टेट से ये वाला ट्रांजिशन हटा दिया, क्योंकि क्यू जीरो से क्यू वन जब हम मूव कर रहे हैं तो इसी ट्रांजिशन को हम दिखा रहे हैं। और अब हमारा जो नया स्टार्ट स्टेट है वो क्यू जीरो है, तो क्यू वन अब स्टेट नहीं होगा, स्टार्ट स्टेट। इसी तरह से दूसरे डायरेक्शन में भी हम जाएंगे, जो कि ए पावर एन बी पावर टू एन वाला है। तो जब भी मुझे ए मिलेगा और स्टैक के टॉप पे जेड जीरो होगा, तो मैं दो ए को पुश करके इस डायरेक्शन में चला जाऊंगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये स्टार्ट स्टेट नहीं रहेगा क्यू थ्री, स्टार्ट स्टेट हमारा क्यू जीरो रहेगा। और हमने ए जेड जीरो और डबल ए जेड जीरो वाला जो ट्रांजिशन है क्यू थ्री स्टेट पे, हम उसको भी हटा देंगे। तो इस तरह से हमने जो पीडी डिजाइन किया, एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा अगर हमें ए पावर एन बी पावर एन वाला स्ट्रिंग है, और एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा जो कि ए पावर एन बी पावर टू एन वाला। तो इस तरह से हमने इसको डिजाइन कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। और जब भी आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे, तो आप कहेंगे कि आपने ये वाला टास्क कर लिया। नाउ इसके बाद एक टास्क मैं आपको छोड़ रहा हूँ, जिसको हम कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, इसका प्रिपेयर करना। आई होप आपने इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन आपने ऑलरेडी मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लिया है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो आपको मान लीजिए कि ए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के लिए एक इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन बनाइए, और एक और इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन बनाइए ए स्क्वायर बी पावर फोर के लिए। तो इस तरह से आपको फैमिलियरिटी हो जाएगी कि किस तरह से नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए के स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कराया जाता है यूजिंग यूजिंग द एनडी पीडीए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ द टू स्टैक पीडीएस। एंड यहीं से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि अगर हम सिंगल स्टैक पीडीए किसी एक स्ट्रिंग के लिए या किसी एक लैंग्वेज के लिए डिजाइन कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारी लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री है। लेकिन अगर टू स्टैक पीडीए में डिजाइन करने की जरूरत पड़ी, तो हम कहेंगे कि वो लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। सो विल सी दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।